80% है। अच्छा देखिए मुर्गाना नीचे दे दी। बाद में वो कहे कोरे जितना महंगा मुर्गा था। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू अनदर व्लॉग ऑफ बाकारो पास्ट और पीके। आज की जर्नी जो हमारी है वो जैसे कि हमने आपको लास्ट अपनी वीडियो के अंदर अपडेट दिया था कि हमने जो कोरे ली है हम उसको रिस्टोर कर रहे हैं, और रिस्टोरेशन के लिए जो है वो हम सबसे पहले उसके मैकेनिकल एक्टिविटीज़ जो हैं उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं कि हम उसको मैकेनिकली फ़िट करें। तो उसके ऊपर हम तो आज एक तो जो है वो एक अपडेट लेने जा रहे हैं आज़म भाई के पास, जो हमारी पाकाटो पार्ट्स और पीके की लिंक वर्कशॉप है। दूसरा जो है वो हमने आपको लास्ट टाइम जैसे अपने वीलॉग में बताया था कि हमारे पास जो सर्फ है उसको भी हमने लेके उसमें कुछ चीज़ें जो हैं वो दोबारा से नई इंस्टॉल की थी, कुछ फॉल्ट्स थे उसके जो हमने फिक्स किए थे, इंजेक्टर्स का इंजेक्टर के कुछ फॉल्ट्स थे, और कुछ जो हैं वो हमारे दूसरे उसकी जो है वो ट्यूनिंग वगैरह से रिलेटेड जो थे फॉल्ट्स थे वो हमने फिक्स किए थे। तो आज जो है वो उसका एक और बड़ा माइनर सा इशू है, लेकिन वो समटाइम लोगों को नहीं पता होता, जिसकी वजह से जो है वो आपकी गाड़ी जो है वो जंप्स में या किसी डिफरेंट जो आपका ऑफ रोड होता है वहाँ पे चिक 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 की जो है ना उसमें से आवाज़ आती है, तो वो नॉर्मली जो है वो इजीली डायग्नोज नहीं होती। तो उसके ऊपर हमने काफ़ी आरएनडी की, उमर ने भी उसके ऊपर आरएनडी की जो कि ऑफिशियली सर्फ को ऑन करते हैं। तो आज हम उस इशू को जो है वो फिक्स करवाने जा रहे हैं, और वहाँ पे हम आपको अपनी वर्कशॉप में जाके उस इशू के ऊपर जो है वो डिटेल से एक्सप्लेन भी करेंगे कि वो इशू क्या है। तो उमर हमारे साथ हैं, वो अपनी ज़रा फाइंडिंग्स जो है शेयर करेंगे कि जो डायग्नोस की है हमने, और फिर जो है वो हम आगे उसको प्रोसीड करते हैं। जी उमर वेलकम। अच्छा तो सीन ये है कि गाड़ी जब मैं चला रहा था तो मुझे जब भी खड्डों में से गुजरते हैं तो बड़ी ना एक अनोइंग सी आवाज़ आ रही थी गाड़ी में से, तो मैंने बड़ा उसको कोशिश की कि नीचे क्या चीज़ ऐसी है जो खड़क रही है। तो काफ़ी दफ़ा डेक पे लगवा के गाड़ी नीचे घुस के खुद देखा कि क्या चीज़ खड़क रही है। फिर इसके नीचे ना लोहे की एक इंजन शील्ड होती है, तो वो भी मैंने उतरवा के चेक की, उसको भी टाइट करवाया, सारा कुछ करवा लिया। फिर मैं ड्राइव जब भी करूँ तो फिर खड़कने की आवाज़ आई, तो फिर समझ नहीं आई। फिर यही जो हमारी आज़म ऑटोमोटिव लिंक वर्कशॉप है, इधर हम गए, मैंने आज़म भाई से पूछा कि ये चेक करेंगे, ये आवाज़ नहीं समझ आ रही। तो उन्होंने कहा कि आए फिर ड्राइव पे चलते हैं। ड्राइव हमने की जी, तो ड्राइव करते करते जब हम एक खड्डों वाले एरिया में गए हैं और वहाँ पे जाके जब ड्राइव की, तो उन्होंने कहा अब आपने करना क्या है कि ब्रेक लेफ्ट वाला पाँव जो है अपना वो ब्रेक के पैडल पे हल्का सा प्रेस करके रखना है, और साथ में हल्की सी रेस देकर ना गाड़ी ड्राइव करनी, और फिर आपने बताना कि वो आवाज़ आ रही कि नहीं आ रही। फिर जब मैंने इस तरह करके जो है ना गाड़ी गुजारी खड्डों से, तो वो आवाज़ नहीं आई। फिर मैं ब्रेक से जब पाँव हटाऊँ तब मैं चलाऊँ तो फिर आवाज़ आना शुरू हो जाए। तो उन्होंने कहा कि सर जी ये जो है ना आपके कैलिपर्स जो है ना वो आवाज़ कर रहे हैं। यस, बेसिकली कैलिपर्स की एक किट होती है जो कि हर कोई डायग्नोज नहीं कर पाता, वो समटाइम्स जो है ना उनके बुश और वो चीज़ें जो है ना ख़राब हो जाती हैं, तो जिसकी वजह से उनकी आपस में ना प्ले आ जाती है। तो जब भी आप खड्डे में गुजरते हो तो वो आपस में खड़कती हैं। सबसे पहली चीज़ जो टायर की जो जिसपे प्रेशर पड़ता ना वो उसकी हब वाला एरिया होता है जिसपे ना चीज़ खड़कती है, तो वो हमने डायग्नोज किया। वो उन्होंने कोशिश तो की उसको फिक्स करने की खोल के, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि नहीं आप जो है ना इसकी जेन्युइन कैलिपर किट जो है ना वो मंगवा लें, वो डलवा लें, तो आपका ये मसला जो है ना हल हो जाएगा। इस चीज को डायग्नोज करने के लिए एक दफा हम अपने कपड़े भी गंदे कर चुके हैं जब हम डेक के अंदर नीचे घुसे और चेक किया नीचे से सारा साइलेंसर जो है उसका, उसको हिला ला के हमने चेक किया और बाकी चीजें चेक की, तो उनमें हमें किसी तरह का कोई फॉल्ट नजर नहीं आया। तो ये ऐसी चीज है कि लोग समटाइम्स इसके लिए पूरी पूरी सस्पेंशन पिछली जो है ना वो खुलवा बैठते हैं कि जी पता नहीं आवाज किस चीज की आ रही है, शॉक की आ रही है, और कोई नीचे चिमटा खराब है, पता नहीं किस बुश कोई ढीला है। तो असल में ये भी एक पार्ट है, इस पे भी जो है ना लोगों को मतलब नजर रखनी चाहिए डायग्नोज करते हुए कि ये भी शायद हो सकता है पॉसिबिलिटी की चीज जो चीज खड़क रही है। तो अभी बस हम रस्ते में, अभी हम जा रहे हैं, तो अभी हम पहुंचते हैं आज़म भाई के पास, तो फिर आपको करते हैं, प्रोसेस भी दिखाएंगे किस तरह से ये चेंज होता है। यस, पूरा प्रोसेस बताएंगे और आपको जो है वो कोरे के ऊपर अपडेट भी देंगे कि हमारी कोरे जो है जो उमर की नई दुल्हन है वो किस स्टेज में पहुंची है, उसका सुर्खी बॉर्डर कहाँ तक लगा है, तो उसके बाद फिर जो है हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो जी ये है हमारी कोरे जो कि हमने यहाँ पे भेजी हुई थी, अभी इसकी हमने सस्पेंशन वाला जो काम है वो कंप्लीट हो गया। अभी हम आपको इसकी नीचे से सस्पेंशन दिखाते हैं, इसमें हमने क्या क्या इसमें चीज़ें करवाई हैं। सो सबसे पहले तो आप अगर इधर से इसका देखें, ये देखें इसके जो है ना चिमटे और वो सारी चीज़ें ना हब्बें भी इवन वो सारी नई आ गई, और ये इसके बूट भी जो हैं वो भी नए इंस्टॉल हो गए, ठीक है।
अच्छा यहाँ से जो है ना ये इसका गियर ऑयल होता है इसके अंदर, ये यहाँ से लीक कर रहा था। इसकी भी जो है ना हमने सीलिंग दोबारा से कराई है, सिलिकॉन दिलवा के जो है ना इसको फिलअप किया और अब ये जो है ना लीकेज नहीं होगी। बाकी यहाँ पे अगर आप देखें ये भी इसके जो है जो कंघी होती है स्टेयरिंग रैक होता है उसके जो आर्म्स हैं उनके भी बूट्स जो है ना नए इंस्टॉल हो गए हैं, ये वाला पार्ट भी चिमटे जो है ये भी नया लग गया। तो ओवरऑल जो है ना इसकी सारी सस्पेंशन वो नई हो गई है, ये इसके नए शॉक्स जो हैं वो भी इंस्टॉल हो गए, तो सारा का सारा जो है ना इसका सस्पेंशन वर्क फ्रंट वाला वो कंप्लीट हो चुका है। तो अभी हम निकलते हैं गाड़ी की ड्राइव लेने के लिए, फिर देखते हैं कि गाड़ी की जो है ना ड्राइव में क्या फ़र्क आया। अच्छा जी व्यूवर्स, तो अभी हम कोरे को लेकर जो है ना ड्राइव के लिए निकल रहे हैं, तो इसकी सस्पेंशन का जो है वो टेस्ट करते हैं। तो भाई इसके इंजन की क्या कंडीशन है? इंजन अभी माशाल्लाह ठीक है इसका, तकरीबन है 80% है। अच्छा देखिए मुर्गाना नीचे दे दी बाद में वो कहे कोरे जितना महंगा अच्छा आजम भाई इसमें पावर स्टीयरिंग नहीं आता? ये आई थिंक पावर नहीं है। नहीं ये सादा स्टीयरिंग है, EPS कन्वर्ट होता है इलेक्ट्रॉनिक। हॉर्न चेंज किया इसका? नहीं आई थिंक वो उधर जो है ना राइट साइड में रेड कलर का बटन लगा है वो शायद कन्वर्ट करता है हॉर्न, देखना। अच्छा वो बटन फिर किस चीज का वो भी देखना पड़ेगा, वो भी नहीं हमें पता, कस्टमाइज्ड लगा। स्पार्क प्लग की क्या सिचुएशन थी जब ट्यूनिंग की आपने? वो ठीक थे, अभी ट्यूनिंग चल रही है। अच्छा अभी नहीं चेंज किए फिर? नहीं। सही है। और इसके अलावा और कोई ऐसी चीज़ जो आपको नज़र आई हो इंजन में मैकेनिकल वर्क के पॉइंट ऑफ व्यू से? वो जो था वो करवा दिया सारा, बस अब हम इसके शिफ्ट कर दें अपना जो फोकस है इंटीरियर और एक्सटीरियर के ऊपर। हाँ जी। अच्छा ये पावर स्टीयरिंग कन्वर्ट हो सकती है? चलें उस पर भी फिर हम सोचते हैं। इसको ये इधर कच्चे रास्ते पे जरा डालें ना, ये जो इधर है ये जहाँ पे ट्रक नहीं खड़ा वहाँ से इसको लेफ्ट लें, ताकि सर्फ को भी हमने यहीं पे डायग्नोस किया था, इसको भी हम देखते हैं इसकी सस्पेंशन का। यहाँ से जरा ये लेफ्ट लो, ये हमारा जो है ना टेस्टिंग ट्रैक है, हम यहाँ पर ट्रैक जो है ना जबरदस्त है। हाँ इधर सारी गाड़ी की आवाज़ें जितनी भी है ना पता चल जाती हैं कहाँ कहाँ से आ रही है। तो सो फार मुझे तो आई थिंक सस्पेंशन फ्रंट वाली ठीक ही लग रही है, आपका क्या फीडबैक है मुबशर इस बारे में? सस्पेंशन पहले से काफ़ी बेहतर होती है, सॉफ्ट होती है काफ़ी, आवाज़ें भी अब जो है ना उस तरह की नहीं आ रही है। जैसे आजम भाई ने बताया कि थ्री सिलेंडर जितने भी सिलेंडर हैं इंजन उसमें हल्की सी वाइब्रेशन होती है, तो वो वाइब्रेशन डैशबोर्ड में सिर्फ जो है ना वो फील हो रही है, बाकी उसके अलावा सस्पेंशन वाइज जो है ना वो होती है। बिल्कुल आई थिंक अब इंटीरियर का जो है ये हमें खाता खोलना पड़ेगा। अजम भाई ये वाजें इंटीरियर वाली, ये डैशबोर्ड खुलेगा फिर पता चलेगी? हाँ जी उसमें छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जैसे एसी ग्रिल होगी, एसी वेंट हो गए, तो इसका एसी भी चेक करना था, एसी की क्या सिचुएशन है? एसी देखा नहीं है, देखते करें जरा ऑन चेक कर लेते हैं अभी। व्यूअर्स आप साथ साथ जो है ना अमेजिंग व्यूज भी जो है ना वो भी एंजॉय करें। ये देखें ये हमारा टेस्टिंग ट्रैक भी है और साथ साथ जो है ना एंजॉयमेंट के लिए जो है ना आप साथ में नज़ारे भी एंजॉय कर सकते हैं। मुश्किल ये सर्फ नहीं है जरा ध्यान से, ये कोरे इसको कोरे समझ के चला। वो एक बंदे हेड ब्लॉक असेंबली चेंज की एक बार, मैं उसे इसमें मोड़ के लाया, वहाँ पे मोड़ के मैंने इसे देख लिया, मैंने कहा तो आप चेक कर लो। अच्छा वो बंदा रेस से पाँव ही नहीं उठा रहा, मैं फील कर रहा हूँ, मैं कहा चलो ये 60-70 तो ठीक है सस्पेंशन चेक हो रहा है, अब गाड़ी प्रॉपर जंप लेना शुरू हो गई है। अच्छा इधर से टर्न कर लो वापस।
मैंने कहा भाई कंट्रोल कर, मैंने वापस भी जाना है और यार तेरे पीछे तो दाने होंगे, मैंने कमा के खाना स्टेरिंग मोड़ते वक्त आपको दो रोटियां खानी पड़ेंगी उसके अलावा बाकी जो है और ये अभी थोड़ी सी इसमें जो है ना ये डैशबोर्ड में है वाइब्रेशन, ये आई थिंक इसका कोई पेज वगैरह लूज है या ये इसका डैशबोर्ड जो ड्रॉअर है ये आई थिंक वाइब्रेट कर रहा है। देखिए जी गैर में गिरने से बचाई है जो स्टीयरिंग रैक इसका डला चाइना का जो हम ले रहे हैं न्यू, इसके बारे में आपका क्या फीडबैक है, कैसा रहा? कल डिटेल्स देखी हैं। अच्छा ठीक है, चलो भाई ने डिटेल्स जो भेजी हैं वो इज दैट इज मेड इन जापान। अच्छा जापान मेड है, वेरी नाइस। तो वो 1 ईयर की वारंटी भी है इसकी आजम भाई? हां वो अभी ये डीजल की भी ऐसी है, मैंने जो जीएल आई है उसकी मंगवाई थी पिछले दिनों, उसकी जो ओरिजिनल क्लावगन से मिल रही थी वो 38,000 की थी और उसकी कॉपी जो थी मिल रही थी 20,000 की। तो ये थी व्यूअर्स इसकी टेस्ट ड्राइव जो हमने सस्पेंशन के लिए, इसमें सो फार तो हमें कोई ऐसा प्रॉब्लम फील नहीं हुआ। बाकी अब इसके इंटीरियर और एक्सटीरियर के काम है वो हम नेक्स्ट पार्ट में इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करते रहेंगे। ये जी हमारी कोरे जा रही है इसकी ड्राइव करते हुए, मुशर साहब जो है ना इसकी टेस्ट ड्राइव कर रहे हैं। सामने आप देखें कितना बेहतरीन सड़क वाला व्यू, बस हमने क्लिक लें आजम ऑटोमोटिव से फ्री होके। अभी हम जा रहे हैं इसको लेके, इसके टायर चेंज होने वाले हैं, टायर चेंज करवाते हैं इसके, उसके बाद फिर इसका जो है ना बाकी क्या क्या जो काम है वो इंशाल्लाह शुरू करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड। कलेक्शन इनकी दिखा रहा हूँ, कलेक्शन चेक करें इनके पास क्या क्या काफ़ी बड़ी ये देखें, ये सारी इनकी कलेक्शन है। ये हमारे मार्केट प्लेस पे जो है ना सेलर भी हैं, आप देखें ये सारी इनकी। अभी बस हम आए हैं ये कोरे के टायर देख रहे हैं, ये बताना भाई कौन कौन से हैं?
ओवेशन है, लोंगे है, लियो है, ब्रिजस्टोन। ये ब्रिजस्टोन है जी, ये वाला ये लियो है, ये वाला ये लोंगे है, लियो ओवेशन। मतलब चाइनीज 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 ब्रांड कौन से? ये तीनों चाइनीज है, वो इंडोनेशिया इंडोनेशिया। तो सुल्तान भाई बताएं जरा कौन सा वाला डलवाना चाहिए? अब देख लें अगर आपने मतलब इसको रखा है तो ब्रिजस्टोन वाला ये भी अच्छा टायर है। उसके बाद चाइना के भी आजकल अच्छे टायर चल रहे हैं हमारे पास, अपनी गाड़ी चार गाड़ी हमने उन्हें चाइना के टायर किए हैं, बेहतरीन चलते हैं। हम लोग मतलब के आउट ऑफ सिटी में भी जाते हैं, कोई प्रॉब्लम कोई मसला नहीं करता ये चाइना के टायर के। तो वारंटी कितनी देते हैं चाइना? वारंटी इसकी 3 साल और 70,000 किलोमीटर। सबसे ब्रांडर है वो 3 साल और 1,00,000 किलोमीटर उसकी वारंटी देते हैं। सॉफ्ट कौन सा जो बहुत ज़्यादा हार्ड ना हो? वो चाइना भी अच्छा है यार, सॉफ्ट भी है इसमें हार्ड भी है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीलॉग में इसमें जो भी अपडेट्स होंगी कोरे से रिलेटेड हम आपको अपडेटेड रखेंगे। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।